कैमरा फॉल्ट दिखा रहा था अभी तो। बाकी इसका 360 अभी तो काम नहीं कर रहा है। Say a command. इसमें इनबिल्ड वॉइस असिस्टेंट्स भी है जो कि अपने आप चालू हो जा रहा है। मुझे पता नहीं मैं क्या ऐसा बोल दे रहा हूँ जो अपने आप चालू हो रहा है। आप इसे वेट मोड, रफ रोड और नॉर्मल मोड में डाल सकते हैं। सो हे गाइस, ये है टाटा हैरियर 2023 मॉडल। ये टॉप मॉडल है एग्जैक्ट प्लस, जिसकी एक शोरूम प्राइस 21.67 लाख रुपीस रायपुर में है। और ये ऑटो एक्सपो में आज खड़ी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी कार्स खड़ी हुई हैं, ये किया, आगे महिंद्रा है। बाकी इस गाड़ी पे चलते हैं तो ये डार्क एडिशन में आप देख सकते हैं, डार्क रेड एडिशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके DRLs जो कि बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। यहाँ पे इसके फॉग लाइट्स और हेडलैम्प्स के सेटअप मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्लैक ग्रिल, ये ब्लैक लोगो मिलेगा जो कि छुप जा रहा है। यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा और ये इसका ग्रिल, ये आप देख सकते हैं। और ये है ओवरऑल इसका फ्रंट, बहुत ही बल्की और बहुत ही मस्कुलर गाड़ी है ये। और बिल्ड क्वालिटी की तो बात ही मत करिए फिर तो, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। बाकी ये साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं। तो इसके साइड की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपको 235/60R 18 इंच के टायर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही मैसिव लगते हैं। और इसके जो और इसमें आप देख सकते हैं इसके कैलिबर्स भी आपको रेड कलर के मिलेंगे क्योंकि ये रेड और ब्लैक कलर में आती है ये कार। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आपको डार्क की बैजिंग मिल जाएगी और ये ऑटोमेटिक ORV मिलेंगे। इसको आप अगर लॉक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आपको किलेस एंट्री मिल जाएगा और ये साइड का लुक देख सकते हैं, ये डिस्कवरी से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी LED लाइट दी गई है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है ये। पीछे के टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम टायर साइज़ के टायर्स मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको डिस्क मिलेगा, डिस्क में आपको रेड ट्रीटमेंट मिलेगी। कि ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी जो कि इंडियन रोड के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट है। आनंद लुक बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। यहाँ पे आपको छोटा सा रेड ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इसका फुल रियर प्रोफाइल, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रियर कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की जगह ये है रियर की बैजिंग। और यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 4 नहीं मिलते हैं। बाकी ये एकदम अच्छा सॉर्टेड किया गया है, यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, बहुत नीचे दिखता है इसका एग्जॉस्ट। यहाँ पे आपको इसके स्पेयर टायर्स मिल जाएंगे। ये इसके बूट को खोलते हैं, तो बूट साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरा प्रिंटर रखा हुआ है, बाद में स्पेस है। यहाँ पे आपको बूट ट्रे मिलेगा। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता है, ये आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। तो ये टेल लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरे LED टेल लाइट मिलेंगे। ये टर्न इंडिकेटर्स है और ये रिवर्स लाइट है, बहुत ही अच्छी है बैक से। तो आइए गाइस इसके ड्राइवर साइड पे चलते हैं, इसको करते हैं अनलॉक। देख सकते हैं ये खुल गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको कीलेस डोर भी मिलता है। तो गाइस ये है इसका फ्रंट ड्राइवर डोर, यहाँ पे लेदर फिनिश रेड कलर में। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डोर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉक एंड अनलॉक का विंडो का बटन और ये स्टाइलिश डोर लीवर। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल स्टोरेज मिल जाएगी और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला स्टोरेज मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है, डीप है। बाकी बहुत ही अच्छी डोर है इसकी। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत हैवी डोर है, आप देख सकते हैं जो इसकी हैवीनेस है वो तो आपको छूने से ही पता चल जाएगी इसकी डोर।
यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे आपको ओरवीएम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप राइट लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अप एंड डाउन, और यहाँ से आप ओरवीएम को क्लोज भी कर तो सकते हैं। बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। ये है इसका इंटीरियर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइनली बताऊँ तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है और मेमोरी फंक्शन के साथ, और प्लस यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन दे दिया गया है इस बार। तो चलिए इसके ड्राइवर साइड पे चलते हैं। तो चालू करते हैं गाड़ी को। यहाँ पे इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, तो ये है इसका MID। तो देख सकते हैं गाइस, ये पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल चुका है फाइनली टाटा की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ से आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये ड्राइवर असिस्टेंस, ये व्हीकल इन्फो के लिए दिखाएगा, ये नोटिफिकेशंस कोई भी गाड़ी का, ये नेविगेशन भी यहाँ पे दिखाएगा, लेआउट सेटिंग्स, ट्रिप इन्फो, तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन ये शो करता है अपने MID में। बाकी लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर मिल जाएगा, बीच में आपको पूरा स्क्रीन मिल जाएगा, राइट में आपको पेट्रोल इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो एक गोल सा स्टाइल है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। तो गाइस ये था इसका कुछ MID। अब चलते हैं पीछे। ये है इसका स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ये इसका हॉर्न, और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो पर्टिकुलर इस मॉडल में एडास नहीं आता है, मतलब ये गाड़ी मैनुअल में टॉप है, बट अगर ऑटोमेटिक में टॉप जाएंगे तो आपको एडास फीचर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और अगर इधर देखें तो इधर आपको AC वेंट्स, यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे कोई कंट्रोल्स, और ये है क्लच ब्रेक एक्सेलेटर, यहाँ पे आपको बोनट खोलने का लीवर मिल जाएगा। तो यहाँ आते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया मिल जाएगा जो कि बहुत ही स्लीक दिखता है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एयर क्वालिटी कंट्रोल एकदम लाइव बताता है। Say a command. इसमें इनबिल्ड वॉइस असिस्टेंस भी है जो कि अपने आप चालू हो जा रहा है। मुझे पता नहीं मैं क्या ऐसा बोल दे रहा हूँ जो अपने आप चालू हो रहा है। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप ब्लोअर को यहाँ सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप AC ऑन ऑफ के कंट्रोल्स, यहाँ पे डिफॉगर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको पूरे, यहाँ पे भी आपको फिजिकल कीज़ मिल जाएंगी AC के लिए। तो कर देते हैं AC बंद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको अलर्ट नोटिफिकेशन, और ये ऐसा जितना स्लीक है नहीं, दो तीन बार दबाना पड़ रहा है। यहाँ पे आप पेयर डिवाइस कर सकते हैं, यहाँ पे आप AC कंट्रोल्स, यहाँ पे सामने यहाँ पे रेडियो कंट्रोल्स, तो ऐसा यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो नीचे चलते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको 360 कैमरे का बटन मिल जाता है जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो वाई, बट इसका कैमरा काम नहीं कर रहा है। अगर कुछ करूँ तो नहीं, ये कैमरा फॉल्ट दिखा रहा था अभी तो। बाकी इसका 360 अभी तो काम नहीं कर रहा है। बाकी यहाँ पे आपको ड्राइव सिलेक्टर मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसे वेट मोड, रफ रोड और नॉर्मल मोड में डाल सकते हैं। ये सिटी मोड है नॉर्मल। यहाँ पे आपको हिल डिसेंड का कंट्रोल मिल जाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं इसके गियर की तरफ। यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा जो कि बेसिक सा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, यहाँ पे ऑटो होल्ड का फंक्शन भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, और सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिलेगा जो आप आगे नहीं कर सकते, और यहाँ पे एकदम चिंटू मिंटू से स्पेस मिलता है जो कि आप देख सकते हैं, एक आप देख सकते हैं इसका साइज। यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ पे आपको USB का सॉकेट, यहाँ पे Type-C का सॉकेट मिलता है, और यहाँ पे कूल कर सकते हैं आप कुछ भी चीज़ें, बट पता नहीं इतने से चीज़ में क्या कूल करेंगे। बाकी यहाँ पे ऐसा है कुछ फ्रंट, और अगर स्पेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो फ्रंट एयर बैग्स हैं, यहाँ पे आपको एयर बैग मिलेंगे,
पास साइड में यहाँ पे भी एयरबैग मिलेंगे, तो टोटल 6 एयरबैग हैं यहाँ पे इस कार में। तो बाकी यहाँ पे, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी अच्छा फील फिनिश दिया गया है, हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे थोड़ी लेदर टच है। यहाँ पे ये लेदर टच है, यहाँ पे ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे लेदर है। बाकी यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, मीडियम साइज़ का है। साइड पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट मिलेंगे जिसका कंट्रोल उस साइड से होगा। तो ऐसा है कुछ इसका फ्रंट इंटीरियर। सबसे अच्छी मुझे यही लगी, ये डिजिटल हो गई है तो इसका लुक अच्छा आ रहा है। पहले की जैसे एनालॉग थी वो बहुत ही आउटडेटेड फील कराती थी हैरियर को। तो प्राइस हिसाब से तो वैसे भी हाई है, वो तो कोई बात ही नहीं है। बाकी इसका ऑर्डर के 8 स्पीकर्स के सिस्टम मिल जाते हैं जो कि बहुत ही औसम है, आपने जैसे सुना अभी। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग और VM भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो कि वाइट LED लाइट है, और यहाँ पे आपको सनरूफ के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलता है टाटा की तरफ से जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और पूरे ब्लैक इंटीरियर के साथ। यहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग दिखती है, यहाँ पे आपको मिरर नहीं दिखते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिरर दिखेगा। तो ओवरऑल स्पेस बहुत अच्छा है फ्रंट के लिए। तो आइए इसके रियर सीट पे चलते हैं। तो गाइस ये है इसका रियर डोर जो कि अच्छी स्टाइलिश बनाया है टाटा ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट डोर के जैसे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलेगा, JBL की बैजिंग, यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टोरेज, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे आपको सारी जगह स्टोरेज दिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स, ये आपका डोर अनलॉक का लीवर, यहाँ लॉक एंड अनलॉक का बटन। तो ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम लग रही है इस बार रेड सीट के साथ। तो बैठते हैं इसके सीट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस लेग रूम मिल जाता है, बहुत ही बड़ा है आप देख सकते हैं। सेंटर रो की बात करूँ तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टोरेज है, और AC वेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको पूरे AC वेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्पीकर्स, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइट मिलता है LED जो आप बंद चालू कर सकते हैं। ये ग्रैब हैंडल्स, सनरूफ हमारे पूरे पीछे तक आता है, पूरे विंडो तक आता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है रियर कप होल्डर के साथ। फील बहुत ही फर्स्ट क्लास है मैं बोलूँ तो, क्योंकि रेड इंटीरियर बहुत ही अच्छा इसको बना रहा है, इसके इंटीरियर को बना रहा है, और बहुत ही प्रीमियम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जैसे पियानो ब्लैक फिनिश और वहाँ पे क्रोम फिनिश साथ में रेड, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका इंटीरियर ऑल सेटअप। तो ये है ओवरऑल टाटा हैरियर 2023 मॉडल। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस 21.67 लाख रुपीज़ रखी गई है रायपुर में। तो आपको गाइस कैसी लगी ये गाड़ी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।